वेलकम बैक। आज मैं काफी दिनों बाद आपके लिए लेकर आई हूँ एक मेकअप लुक। अभी जो आप मेरे फेस पर देख रहे हो, अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने ये कैसे क्रिएट किया है, देन कीप ऑन वॉचिंग। ऑल्सो मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए, सभी का परचेस लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए। विदाउट मेकिंग दिस इंट्रो एनी लॉन्गर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप लुक। कभी भी मेकअप करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करो। और आज मैं अपने फेस को वॉश करने के लिए यूज करने वाली हूँ ये डर्मा वाइव का हाइड्रा क्लेंजर। ये एक बहुत ही अच्छी फेस वॉश है एंड गाइज ये सेंसिटिव स्किन के लिए है, जरा भी आपके फेस को इरिटेट नहीं करेगा। इट इज रियली गुड, सो यू हैव टू शेक इट वेल बिफोर यू यूज इट। तो मैं जो है पहले इससे अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। अब मैंने फेस वॉश कर लिया है, फेस एकदम क्लीन हो गया है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ जो कि है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे ये न्यूट्री डर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन। इसमें है विटामिन ई एंड गाइज ये बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजर है। मेरी स्किन ड्राई है एंड ये मेरी स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। फाउंडेशन भी जो है इस मॉइस्चराइजर पे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है, जरा भी पैची नहीं लगता। अगर आपकी भी स्किन ड्राई है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें जो है ना एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड नाउ लेट्स अप्लाई दिस। आप मेरे स्किन पे ये ग्लो देख सकते हो। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मॉइस्चराइजर। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, मस्ट ट्राई प्रोडक्ट ये। और ये प्रोडक्ट जो है इट इज रियली गुड। आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो मैं इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां चेक कर सकते हो। तो चलो अब मूव ऑन करते हैं अगले स्टेप पर जो कि होगा प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। फाउंडेशन पर और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन। शेड है 310 सन बेज। इसमें जो है मैं थोड़ा सा ये मॉइस्चराइजर भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा अमाउंट, एंड मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फाउंडेशन हो गया है और मैंने मॉइस्चराइजर इसमें इसलिए मिक्स करके लगाया बिकॉज आई हैव वेरी ड्राई स्किन और मुझे जो है थोड़ा फाउंडेशन पैची नहीं लगे या थोड़ा सा मेरा फाउंडेशन जो है ड्यूई लगे, इसके लिए मैंने जो है मॉइस्चराइजर इसमें मिला के लगाया था। अब करते हैं फेस को कॉन्टोर और उसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये NYBA का कॉन्टोर स्टिक। कॉन्टोर इज ऑल्सो डन। अब कॉन्टोर को सेट करने के लिए यहाँ यूज करूंगी मैं ये शुगर का फेस पैलेट और उसमें से ये कॉन्टोर शेड लेके मैंने जहां जहां कॉन्टोर किया है उसे मैं सेट कर लूंगी। ब्लश के लिए यूज करूंगी मैं ये डस्टी रोज शेड फ्रॉम के ब्यूटी। अब आ रही है हाइलाइटर की, उसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट हाइलाइटर। आई शेडो के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये के ब्यूटी का सेल्फ लव आई शेडो पैलेट। ये वाला शेड यूज करूंगी ऑल ओवर द लिड।
उसके बाद मैं ये जो लाइटर शेड है जिंजर, इससे जो है मैं अपने क्रीज में लगा लूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये सैंग्रिया शेड है इसे मैं जो है अपने हाफ लिड पे लगा लूंगी। उसके बाद ये मोका शेड लेके मैं खाली आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा इसे जो है डार्क कर दूंगी। लोअर लैश लाइन पे पहले मैं रस्टिक लगाऊंगी। एंड उसी के ऊपर मैं जो है मोका शेड से थोड़ा सा उसे डार्क कर दूंगी। ब्राउ के लिए मैं यूज करूंगी मेरी ट्रस्टेड ब्राउ पेंसिल जो कि है फ्रॉम द ब्रांड मिस क्लेयर। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ दो मस्कारा जो कि है फ्रॉम द ब्रांड नायका, और पहले मैं लगाऊंगी ये वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा, उसके बाद लगाऊंगी मैं ये लेंथनिंग मस्कारा। काजल के लिए मैं यहाँ यूज करूंगी ये बेला वोस्ते का कैरमल ब्राउन। लाइनर में लगाऊंगी ऑफ कैमरा जो कि है ये लैक्मे का इंस्टा लाइनर। चलो अब मूव ऑन करते हैं लिप लाइनर पर। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पैक का लिप लाइनर इन द शेड ब्राउन, और इससे जो है मैं अपने लिप्स को अच्छी तरीके से लाइन कर लूंगी। और मैंने जो है अपने लिप्स को उसी लिप लाइनर से फिल भी कर लिया है। लिपस्टिक के लिए यहाँ मैं यूज करूंगी शेड 126 आई प्ले फ्रॉम लॉरियल। और उसके ऊपर मैं यूज करूंगी शेड ग्रूविंग इन द क्लब फ्रॉम आई थिंक ये है NYB की लिक्विड लिपस्टिक। मेकअप जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसे सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी निक्स का ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे। सो डन विद द मेकअप। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस इजी सा मेकअप लुक। और अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना सो दैट मैं कभी भी वीडियोस पोस्ट करूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मिलती हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।